हम लोग देखते हैं इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। डेफिनेशन बाद में देखते हैं, एक बार मैं आप लोगों को वैसे ही समझाती हूँ। देखो शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके अराउंड क्या होते हैं, इस तरह से ऐसे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, KLMN, इस तरह से ना, ये इस तरह से शेल्स प्रेजेंट होते हैं। आउटरमोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, या फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं मैंने, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। ये तो हम लोगों को पता है, अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, पर इस इलेक्ट्रॉन का और इस पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा इस इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि ये वाला शेल तो सबसे पास है न्यूक्लियस के, ये ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे जैसे शेल्स हम दूर जाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता जाएगा धीरे धीरे। अब जो लास्ट वाला वैलेंस शेल होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा कम अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस को, क्योंकि ये बहुत दूर है डिस्टेंस इनका, न्यूक्लियस का और लास्ट वाले शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इतना समझ में आया? अब और क्या होता है, एक तो ये अट्रैक्शन लग रहा है और इन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्शन भी तो लग रहा है, सेम चार्ज रिपल करते हैं आपस में, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी लग रहा है ना। तो हो क्या रहा है नॉर्मल, अब देखो हो क्या रहा है, इस रिपल्शन के चक्कर में क्या हो रहा है, इनका जो अट्रैक्शन है ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव चार्ज का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा था और साथ ही साथ इनका रिपल्शन भी लग रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनका अट्रैक्शन कम हो रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का, कि इनकी वजह से इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो उसका अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, एक तरह से शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, एक लेयर की तरह काम कर रहे हैं इनका अट्रैक्शन को कम करने के लिए। तो शील्ड का मतलब क्या होता है, लेयर, शील्ड को हम लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक लेयर की तरह, एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, ताकि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन कम हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। देखो द डिक्रीज इन न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है किसका, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनर शेल। इनर शेल्स एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, इस वजह से जो वैलेंस शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका अट्रैक्शन इससे कम हो रहा है। ये था शील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनर शेल्स, ठीक है।